हेलो फ्रेंड्स, आईएएस यूपीएससी 2017 और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए उपयोगी ये हमारी करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स की वीडियो सीरीज है। इसमें जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक न्यूज है द हिंदू का, 1 अगस्त 2016 का एक सिंड्रोम जो है उसके बारे में चर्चा हो रही है इस न्यूज में। उसको कहते हैं क्राउजन सिंड्रोम। क्राउजन सिंड्रोम क्या है इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन लिटरली पूछा जा सकता है, क्राउजन सिंड्रोम पिछले दिनों चर्चा में रहा है, इसके क्या लक्षण हैं, ठीक है? तो इस प्रकार की ये क्या चीजें हैं, लाइए हम इसको डिस्कस करते हैं द हिंदू की न्यूज से। हेडिंग है 6 ईयर ओल्ड ट्रीटेड फॉर रेयर डिसऑर्डर क्राउजन सिंड्रोम। ए 6 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम ओमान हु सफर्ड फ्रॉम क्राउजन सिंड्रोम वाज सक्सेसफुली ऑपरेटेड अपॉन एट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च हॉस्पिटल इन गुड़गांव। द रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर फाउंड इन 1 in 60,000 लाइव बर्थ्स और 16.5 केसेस इन 1 मिलियन लाइव बर्थ प्रेजेंट्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ए सीवियरली डिफॉर्म्ड अपर फेस। दो जेनेटिक नन ऑफ लयान सिबलिंग्स, लयान इज द नेम ऑफ द चाइल्ड, नन ऑफ द चाइल्ड सिबलिंग सफर फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। तो अभी इसमें क्या बताया गया है, 6 वर्ष की ओमान देश से आई हुई बच्ची, उसको ये क्राउजन सिंड्रोम था और उसको फोर्टिस हॉस्पिटल में जो है ऑपरेट करके ऑपरेशन करके ठीक किया गया है। ये एक दुर्लभ जेनेटिक कमी होती है, डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, बहुत दुर्लभ है, जो कि 60,000 जीवित बच्चों में से किसी एक में पाया जा रहा है या फिर जो 1 मिलियन जीवित बच्चे पैदा होते हैं, 1 मिलियन जीवित बच्चों में से किन्हीं 16 या 17 बच्चों में ये पाया जाता है। यानी कि यदि 1 मिलियन जीवित बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से केवल 16 या 17 बच्चे कभी कभी इससे प्रभावित होकर के पैदा होते हैं। तो प्रेजेंट्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ए सीवियरली डिफॉर्म्ड अपर फेस। तो ये जो आपका क्राउजन सिंड्रोम है इसका क्या लक्षण है, ये इसमें होता क्या है, शरीर का कौन सा भाग इफेक्ट हो जाता है, ये है सीवियरली डिफॉर्म्ड अपर फेस। इसमें चेहरे का ऊपरी भाग जो है काफी गंभीर रूप से उसकी जो है शेप बिगड़ जाती है, ठीक है, चेहरे के ऊपरी भाग का आकार बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाता है इस क्राउजन सिंड्रोम के अंदर। और इसमें ये कहा गया है कि जो बच्ची आई थी ओमान देश से ऑपरेशन के लिए, उसके किसी भी सिबलिंग को, किसी भी चचेरे ममेरे फुफेरे भाई को या बहन को इस तरह की बीमारी नहीं हुई है, यद्यपि ये बीमारी जो है जेनेटिक है, ठीक है, अनुवांशिक है बीमारी। अकॉर्डिंग टू अली हाल्दी हिज डॉटर, यानी द फादर का नाम है अली हाल्दी, अली हाल्दी के अनुसार उनकी बेटी को उनकी बेटी जब पैदा हुई तो वह नॉर्मल थी और लेकिन अपर फेस जो है धीरे धीरे उसकी शेप बिगड़ने लगी और जब वो बच्ची 4 महीने की थी तब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो शरीर का जो मतलब यानी कि जो फेस है, फेस का ऊपरी भाग काफ़ी मात्रा में 4 महीने की उम्र आते आते बिगड़ी हुई शेप वाला बन गया। शी हैड ट्रबल ब्रेदिंग, इससे उस बच्ची को सांस लेने में तकलीफ होती थी और उनको ओमान में इस प्रकार का जो इफेक्टिव इलाज है वो नहीं मिल पाया। लयान जो कि बच्ची का नाम है ऑल्सो हैड टू अंडरगो क्रैनियल सर्जरी एट द एज ऑफ 1 सिंस द साइज ऑफ हर हेड फेल्ड टू इंक्रीज। और लयान जो बच्ची है उसको 1 वर्ष की आयु में एक दूसरी सर्जरी से भी गुजरना पड़ा था जब उसके सिर ने बढ़ना, सिर का बढ़ना उसका बंद हो गया था, सिर का विकास बंद हो गया था, इसलिए उसको उसकी खोपड़ी के अंदर कार्नियल सर्जरी भी जो है पहले एक वर्ष का
की अवस्था में की गई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हॉस्पिटल की अथॉरिटीज ने बताया कि एक वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने ये बहुत जटिल सर्जरी जो है फरवरी के महीने में की थी। डॉक्टर रश्मि तनेजा, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज ने बताया कि क्राउजन सिंड्रोम एक बहुत दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये जो है जन्म के समय इट मे बी एविडेंट एट बर्थ, कॉन्जेनिटल और ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, तो या कई बार ये जो है जन्म लेने के बाद बच्चे को प्रभावित करता है और कई बार ये जब वो बच्चा इन्फेंट होता है, गर्भ में ही स्थित होता है, तो तब भी यह जो है दोनों स्थितियों में, गर्भ के अंदर भी और जन्म लेने के थोड़े समय बाद भी, दोनों ही अवस्थाओं में ये डिसऑर्डर बच्चों को प्रभावित कर सकता है। ये चेहरे की विकृति से जुड़ा हुआ, चेहरे की आकृति के बिगड़ने से, चेहरे का ऊपरी भाग की आकृति बिगड़ जाती है इसमें। उन्होंने साथ ही साथ ये जोड़ा कि लयान का जो इसमें कारण था, लयान का जो मैटर था उसमें क्या हुआ था, टीम जो थी, डॉक्टरों की टीम ने एक जो सर्जरी की है उसका स्टैंडर्ड नाम है लेफोर्ट थर्ड ऑस्टेटोमी, ऑस्टियोटोमी। ठीक है, तो जो लयान नाम की बच्ची, 6 वर्ष की बच्ची जो ओमान से आई थी, उसकी सर्जरी जो की गई है वो लियोफोर्ट थर्ड ऑस्टियोटोमी नाम के ऑपरेशन के माध्यम से उसको ठीक किया गया है, जिसमें कि मिड फेस को अलग किया गया था, फेस के मध्य भाग को अलग करके और स्कल बोन जो रीढ़ की हड्डी है, यूजिंग सॉरी स्कल बोन यानी कि जो खोपड़ी से जुड़ी हुई जो हड्डी होती है स्कल बोन, उसको रिजिड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन डिवाइस के माध्यम से, एक कठोर बाहरी डिस्ट्रैक्शन डिवाइस का प्रयोग करके उसको ठीक किया गया है। लयान ने की रिकवरी जो है वो काफ़ी अच्छी है और उसके डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो कि लगाए गए थे सर्जरी के दौरान, उनको हटा दिया गया है। बाहरी डिस्ट्रैक्टर्स जो लगाए गए थे डिवाइस, उसमें उसके चेहरे के अंदर, उसके खोपड़ी के अंदर जो है कुछ यंत्र लगाए गए थे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन डिवाइसेस, उनको हटा लिया गया है, हॉस्पिटल ने ये बताया। गगन सब्बरवाल, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री एंड मैक्सियोफेशियल सर्जरी, एंड अमिताभ सिंह, कंसल्टेंट कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेड आफ्टर ए कंसल्टेशन पीरियड ऑफ 4 days फॉलोइंग द सर्जरी, द मिड फेस एंड द अपर जो वर पुल्ड फॉरवर्ड बाय 1 millimeter पर डे। तो इसमें उन्होंने बताया कि चार सर्जरी के 4 दिन के बाद, जो कि कंसोलिडेशन पीरियड कहलाता है, उसके बाद मध्यवर्ती जो फेस था और ऊपरी जबड़ा जो है उसको 1 millimeter प्रतिदिन जो है खींचा गया, ये डिस्ट्रैक्शन किया गया था। लयान के की माता ने ये किया था, जो कि रुकी हुई थी हॉस्पिटल में ही उसके साथ, और द अपर जॉ वाज पुल्ड 35 millimeters इन 35 days। सो 1 millimeter प्रतिदिन के हिसाब से 35 millimeter जो है उसके ऊपरी जबड़े को आगे की ओर खींचा गया, और आफ्टर विच द फैमिली रिटर्न टू ओमान। इसके बाद उसको ठीक अवस्था में लाने के बाद ये परिवार जो है ओमान को वापस लौट गया है। देवर आस्क टू कम फॉर फॉलो अप एंड डिस्ट्रैक्टर रिमूवल आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ्स, और 2-3 महीनों बाद जो है वो डिस्ट्रैक्टर जो डिवाइस लगाई गई थी उसको हटवाने के लिए और फॉलो अप के लिए वो दोबारा से फोर्टिस का दौरा उन्होंने किया। ओमान से वापस आकर के फिर से डिस्ट्रैक्टर यंत्र जो है वो हटवा लिया है, बाय विच टाइम द डिस्ट्रैक्टेड बोन वुड हैव हील्ड, और 2-3-4 महीने के अंदर का ये जो कपल ऑफ मंथ्स हैं, इन महीनों में जो डिस्ट्रैक्टेड बोन है, जो डिस्ट्रैक्टेड अर्थात जो अपने स्थान से अलग हटा करके ट्रांसप्लांट की गई जो हड्डी है उस वो हील हो चुकी होगी, वो काफ़ी मात्रा में अपने आप को उसने रिकवर कर लिया होगा। द फोर्टिस ENT टीम ऑल्सो रिमूव्ड हर ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है, आफ्टर विच लयान स्टार्टेड ब्रेदिंग नॉर्मली। ENT टीम जो है फोर्टिस की, उन्होंने उसकी
ट्रेकियोस्टोमी नाम की जो डिवाइस जो लगा रखा था ट्रेकियोस्टोमी उसके अंदर उसको भी हटा लिया है, जिसके बाद वो नॉर्मली सांस ले पा रही है बच्ची। हाउएवर शी विल हैव टू अंडरगो अनदर सेट ऑफ सर्जरीज एट 16 टू अलाइन हर जॉज। जब वो 16 वर्ष की हो जाएगी तब इस बच्ची को फिर से कुछ अन्य सर्जरी जो है वो करवानी पड़ेंगी, ताकि उसके जबड़ों की जो अलाइनमेंट है उसको फाइनली पूरी तरीके से ठीक किया जा सके। तो ये पूरा हमारा करंट अफेयर था क्राउजन सिंड्रोम के बारे में। क्राउजन सिंड्रोम में क्या होता है ये हमने आपको बताया, इसकी थोड़ी क्रियाविधि भी बताई। आइए फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। तो क्राउजन सिंड्रोम जो है फेस के आपका जो चेहरा है उसके ऊपरी भाग के आकृति को बिगड़ जाने के कारण ये सिंड्रोम पैदा होता है, बीमारी पैदा होती है। इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहली बात है कि इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, और सांस लेने में तकलीफ होने के कारण जब इसकी सर्जरी की जाती है तो मध्य जो फेस होता है फेस का मध्यवर्ती भाग को ऊपरी भाग से डिटैच करके और उसके बाद स्कल बोन जो होती है स्कल बोन खोपड़ी की जो हड्डी होती है उसको एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन करके बाहरी तरफ खींच के एक डिवाइस के माध्यम से सेट किया जाता है उसको, उस डिवाइस को एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन डिवाइस कहते हैं। और उसके बाद थोड़े दिन बाद वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन डिवाइस जो है हटा ली जाती है, जब हड्डी जो है स्कल बोन जब काफ़ी मात्रा में अपने आप को रिकवर कर चुकी होती है तो उसे हटा लिया जाता है। इसके अलावा इसमें यह भी है कि जो जबड़े हैं उनकी भी सेटिंग करनी पड़ती है, जैसे कि 4 दिनों के कंसल्टेशन पीरियड के बाद मध्यवर्ती जो फेस होता है और ऊपरी जबड़ा उन दोनों को अलाइनमेंट करने के लिए खींचा जाता है आगे की ओर 1 मिलीमीटर पर डे, जैसे कि इस बच्ची के 35 मिलीमीटर 35 दिन में आगे की तरफ खींच करके सेट किया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्टर जो है वो 2-3 महीनों बाद हटा दिया जाता है कम्प्लीटली। इसके अलावा एक ट्रेकियोस्टोमी नाम की जो यंत्र होता है वो जो कि सांस लेने से संबंधित होता है, ENT स्पेशलिस्ट जो है वो उस ट्रेकियोस्टोमी नाम के यंत्र को भी हटा देते हैं। इसके बाद ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, यद्यपि इस बच्ची के केस में कहा गया है कि 16 वर्ष की अवस्था में उसको फिर से अलाइनमेंट कराना पड़ेगा अपने जबड़ों का, और उसके लिए एक और सर्जरी होने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ये सारा डिस्कशन किया गया है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।